व्यापी मस्जिद के सर्वे के मामले को लेकर शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश हो चुका है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के मजुकाने में शिवलिंग मिला है, कहा गया है सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है और कल सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी। मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। तो बड़ी खबर देखिए, लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवलिंग मिलने वाली जगह को यहां पर सील करने के लिए अपील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उसके बाद यहां पर कोर्ट ने सीआरपीएफ को उसकी जिम्मेदारी दे दी है। कल सुप्रीम कोर्ट करेगा पूरे मामले में सुनवाई। बजुकाने में शिवलिंग मिलने का मामला है, कहा जा रहा है यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से वहां पर पानी भरकर मछलियों को वहां पर रखकर उस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, उस शराब यानी कि बजुकाने की भी जांच होनी चाहिए। और उस जांच में आज पाया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है और उसी की सुरक्षा की मांग हिंदू पक्ष ने की, जिसके बाद अब सीआरपीएफ को जिम्मेदारी शिवलिंग की सुरक्षा की सील कर दिया गया उस क्षेत्र को जहां पर शिवलिंग मिला है। और अवैध उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अवैध से एक करके ज्ञान व्यापी मस्जिद में तमाम खुलासे। अब जब सर्वे पूरा कर सुप्रीम कोर्ट सर्वे को रोक को लेकर ही करेगा सुनवाई, तो कैसे पूरा मामला कोर्ट में होगा? सर्वे तो पूरा हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जो है मामले की सुनवाई करेगी। आइटम नंबर 40 लगा हुआ है, यानी 10:30 बजे अगर बेंच बैठेगी तो लगभग 11 बजे के आसपास या 11:15 बजे के आसपास जो है इस मामले की सुनवाई हो सकती है। लेकिन यह जो मेंशनी जो लिस्ट कॉज लिस्ट जारी हुई है जिसमें आइटम नंबर 40 मुंतखब हुआ है कि ज्ञानव्यापी सर्वे पर रोक लगाने वाली मांग की आज का पर सुनवाई होगी, उसमें ये नहीं कहा गया है कि फिलहाल की वो पहले मैटर सबसे पहले ये सुना जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हो कल मामले की, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये मेंशनिंग की जाए और कहा जाए कि ये मामला बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें तुरंत जो आइटम नंबर छोड़ के पहले ही सबसे पहले इस मामले को सुनवाई करना चाहिए। बात अगर बात करें तो याचिका की, तो याचिका दाखिल करते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ज्ञानव्यापी सर्वे का जो निचली अदालत का आदेश है वो पूरी तरह से गलत है। 1900 वर्शिप एक्ट के इसका उल्लंघन हुआ। इसके अलावा कमिश्नर के को नियुक्ति करने की जो आदेश निचली अदालत ने 8 अप्रैल को दिया था, उसके बाद फिर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था, जिसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर किसी काम के लिए कोई कमिश्नर या कमेटी बनाई जाती तो इसमें कोई हर्जा नहीं है और ये कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है कि वो किसी भी जगह के लिए कमेटी या कमिश्नर जो है वो नियुक्त कर सकता है। ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी, उस फैसले को भी चुनौती दी गई है। अगर आज की बात करें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जो है वो हो चुका है, शिवलिंग मिला है, इसको लेके वाराणसी की निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि सर्वे के बाद सर्वे के दौरान जो है शिवलिंग मिला है, ऐसे में उस जगह को संरक्षित करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य है। ऐसे में मस्जिद में मुसलमानों के सिर्फ प्रवेश के लिए सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसके ऊपर इलाहाबाद माफ़ करेगा बनारस की निचली अदालत ने आदेश सुना और उसके जहाँ पे शिवलिंग मिला है उस जगह के संरक्षित करने का आदेश जो है वो जारी किया और कहा कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जाने के ऊपर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले में सुनवाई होनी है और वाराणसी की जिला अदालत में सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी कल ही पेश होनी है। अब देखना ही होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले मामला टेकअप पे आएगा यानी सुनवाई पे आएगा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस कल सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर होगी क्या फैसला होता है, लेकिन जरा मुझे इस चीज को भी समझाइए। एक तरफ लोअर कोर्ट में सारे साक्ष्य सामने होंगे, उसको लेकर फैसला कोई भी लोअर कोर्ट कर सकता है। अब तो हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि और सर्वे होना चाहिए, इसकी भी मांग होगी। तो इधर सर्वे पूरा और सर्वे को रोकने के लिए यहाँ पर थी बात पूरी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सर्वे के ऊपर रोक लगाने की जो मांग है वो तो निष्क्रिय हो चुकी है, सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सर्वे आज जो है पूरा हो चुका है। ऐसे में जो दूसरी मांग है कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जो चुनौती दी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से नई मांग की जा सकती है क्योंकि सर्वे चल रहा है, निचली अदालत में रिपोर्ट पेश नहीं है। उससे पहले जिस तरह से पक्षकारों की तरफ से बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है जो बयानबाजियां मीडिया में हो रही हैं, और इसके ऊपर रोक लगाने की मांग जो है वो की जा सकती है। और ये भी मांग की जा सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में निचली अदालत में सीलबंद कवर में ही रिपोर्ट पेश हो और उस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी चर्चा या फिर कोई भी बात जो है उस रिपोर्ट की कोर्ट के बाहर जो है वो नहीं आनी चाहिए, इस तरह की मांग जो है वो कर सकता है। हालांकि एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के मामले में कोई भी रिपोर्ट तैयार होती है तो वो सीलबंद कवर में ही कोर्ट में पेश की जाती है। ठीक है, यहाँ पर वैसे आपने बताया कि अब तो सर्वे की बात जो थी वो तो पूरी तरीके से खारिज हो गई क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है। मांग हो सकती है अभी भी कमिश्नर को हटाने की, क्योंकि अब तो एक नहीं 3 कमिश्नर हो गए इसमें, और रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग हो सकती है। तो क्या ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे कि रिपोर्ट अभी सामने सार्वजनिक ना की जाए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका के साथ आगे बढ़ जाए उसे रिपोर्ट को लेते हुए?
देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस मामले में क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है। फिलहाल सर्वे की रिपोर्ट को लेकर कोई याचिका अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हो। मैं ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी जा सकती है, मौखिक रूप से भी ये मांग जो वकील हैं मुस्लिम पक्षकार वो रख सकते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक ना किया जाए और जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर निचली अदालत में सुनवाई ना हो। ये मांग जो है मौखिक रूप से की जा सकती है और फिर एक अतिरिक्त याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। लेकिन अगर पूरे मामले की बात करें, जो याचिका दाखिल की गई उसमें दो मुख्य मांगें थी। एक मुख्य मांग ये थी कि सर्वे के ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए, वो मांग जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है क्योंकि सर्वे पूरे हो चुका है। ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में कल खारिज हो जाएगी, इसका याचिका का मतलब नहीं। दूसरी मांग ये थी कि 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के को चुनौती देने वाली जो मुस्लिम पक्षकारों की याचिका थी उसके ऊपर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करना कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। अगर किसी मामले में कोर्ट कमिश्नर को किसी जाँच के लिए नियुक्त किया जाता है तो इसमें याचिकाकर्ता के किसी भी हित का उल्लंघन नहीं होता है, ये कहा था, तो इस फैसले को भी चुनौती दी गई। दरअसल 8 अप्रैल को जब निचली अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर, तब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने 21 अप्रैल को ये आदेश सुनाया था और कहा था कि निचली अदालत का जो फैसला है वो सही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। उस फैसले को 21 अप्रैल के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई के लिए मामला आएगा, सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट जो है कल कोर्ट में पेश होनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा सकता है कि निचली अदालत में रिपोर्ट पेश ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं देगा, कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो पेश होगी, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई मांग की जाए सुप्रीम कोर्ट से कि कोर्ट भले ही रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश हो लेकिन उसके ऊपर जो है कोई भी चर्चा या बहस जो है कोर्ट में नहीं होनी चाहिए जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ठीक है। यहाँ पर बहस देखिए, ये भी आज चूंकि कहा गया विपक्ष की तरफ से कि सर्वे और कराने की जरूरत है, हम ऐसी मांग करेंगे कमीशन फिर से बैठे और इस पूरे मामले में आगे भी सर्वे हो, क्योंकि आज जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर हिंदू पक्ष कह रहा और सर्वे की जरूरत है। तो क्या इस मांग को भी रोकने को लेकर आपके पास कोई अपडेट है कि कोई याचिका जो है मुस्लिम पक्ष लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम तो लोअर और हाईकोर्ट से दोनों सुप्रीम है, दोनों से बिल्कुल अभी तक क्योंकि हिंदू पक्षकार की तरफ से इस तरह की कोई याचिका लगाई नहीं गई है। जो निचली अदालत में याचिका करता है उनकी तरफ से बयान दिया गया है मीडिया में कि वो मांग करेंगे कि सर्वे जो है और होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में बताया जा रहा है एक तालाब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मलबा पड़ा हुआ था, वहाँ का सर्वे जो है आज नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है मीडिया में कि वो एक याचिका जो है निचली अदालत में लगाएंगे कि इसके ऊपर सुनवाई जो है वो हो और सर्वे के लिए और अतिरिक्त समय जो है वो दिया जाए। फिलहाल ये याचिका अगर निचली अदालत में लगेगी तो इसके लिए विरोध में जो है मुस्लिम पक्षकार निचली अदालत में ही बहस करेंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि तो इस तरह की मांग जो है वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी की जाए कि अब किसी भी तरह का अतिरिक्त सर्वे ना कराने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट पारित करे। जितना सर्वे हो गया है वो काफ़ी है, उतना ही सर्वे रहना दिया जाना चाहिए, उतनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश होनी जानी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में निचली अदालत में किसी भी तरह की टीपा टिप्पणी या फिर बयानबाजी या फिर बहस जो है वो ना हो और जो भी पक्षकार है चाहे वो हिंदू पक्षकार हो मुस्लिम पक्षकार हो वो कोर्ट रूम के बाहर किसी भी तरह की टिप्पणी सर्वे को लेकर ना करें, इस तरह की मांग जो है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से की जा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहस कल की सुनवाई बेहद खास इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। फिलहाल अभी जो मुस्लिम पक्ष और जो हिंदू पक्ष की लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या क्योंकि सुबह कहा जा रहा है कि 10:30 के आसपास लोअर कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि सबसे पहले सुना जाए इसी मामले को, हो सकता है अपील की जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो जब दोनों की सुनवाई साथ साथ होगी तो क्या उसका इफेक्ट कुछ पड़ सकता है या फिर आगे पीछे सुनवाई होना संभव है? नहीं देखिए, अगर कोर्ट के कार्यशैली की अगर बात करें तो अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में संज्ञेय होता है तो जो दूसरी अदालत में उससे संबंधित मामले होते हैं उसके ऊपर अपने आप ही रोक लगा दी जाती है। पक्षकारों के वकीलों की तरफ से उस अदालत को ये बता दिया जाता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए और कोर्ट जो है चाहे वो निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो उस मामले में सुनवाई टाल देते हैं। ये अमूमन कार्यप्रणाली जो है वो कोर्ट की होती है कि अगर कोई मामला बड़ी कोर्ट में लंबित होता है तो यानी कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई करी इस पूरे मामले को तो क्या कल लोअर कोर्ट की सुनवाई रुक जाएगी फिर?
देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई नहीं भी होती है, मान लीजिए 9:30 बजे जो है निचली अदालत बैठती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे बैठेगा, अगर 9:30 बजे निचली अदालत में मामला सुनवाई के लिए आता है तो कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, लेकिन बहस नहीं होगी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से या फिर हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी। ये कोर्ट में बताया जाएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में आज ही मामले में सुनवाई होनी है, ऐसे में निचली अदालत में कोर्ट की सुनवाई जो है वो टाल दी जाए, ये बात कोर्ट को बता दी जाएगी। और कोर्ट अमूमन, मुझे जहां तक लगता है, कोर्ट की कार्य प्रणाली जिस तरह से मामले की सुनवाई जो है वो टाल देगा। अगर 9:30 बजे भी ये मामला टेकअप किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भी कोर्ट में ये मामला आता है तो निचली अदालत में सुनवाई जो है अपने आप ही रुक जाएगी, कोर्ट को ये बात बता दी जाएगी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य है। चलिए वैसे आप बने रहिए हमारे साथ, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और आगे इस खबर को विस्तार से बताएंगे।